अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक गेमिंग ब्राउज़र के मतलब, एक ऐसा ब्राउज़र जो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देता है एक ही ब्राउज़र में, एक ही एप्लीकेशन में। जी हाँ, उसका नाम है ओपेरा GX, यानी कि ओपेरा का गेमिंग ब्राउज़र। वो ना सिर्फ गेमर्स के लिए अच्छा है बल्कि क्रिएटर्स के लिए भी अमेजिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली अगर लिखेंगे opera.com/gx तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अदरवाइज आप गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं opera GX। यूँ ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपेरा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ब्राउज़र फॉर गेमर्स, मीन टू से इसको गेमर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि गेमिंग हब आपको मिलती है, क्रिएटर्स हब आपको मिलती है, स्कैनिंग हब आपको मिलती है। एक चीज़ में, एक ब्राउज़र में, एक एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। चले हम इसका ओवरव्यू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है डाउनलोड opera GX, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डजंट मैटर। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको पास व्हाट इज़ opera GX, तो नीचे इसके फीचर्स कुछ दिए होंगे जो ना सिर्फ आपकी विंडोज़ पे बल्कि ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी उसको अपने आईफोन के लिए या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे लिखा हो चेकआउट गेमिंग इंस्पायर्ड फीचर्स। तो इंस्पायर्ड फीचर कौन से हैं? कस्टम थीम है इसमें, वो तो डेफिनेटली तकरीबन हर ब्राउज़र में होता ही है। इसके अलावा कस्टमाइज आप कर सकते हैं, इसके अलावा लाइट एंड डार्क मोड, वो भी ऑलमोस्ट हर एक ब्राउज़र में मिलता है आपको। लेकिन जो नेक्स्ट है GX कॉर्नर, मीन टू से गेमिंग कॉर्नर, गेमिंग कॉर्नर आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट ट्विच मीन नेवर मिस अ लाइव स्ट्रीम। जो क्रिएटर्स हैं या जो फिर आपने चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, अगर वो लाइव आते हैं तो उनका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें तो है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन अगर आप कम्युनिटी के साथ अटैच रहना चाहते हैं, वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ओपेरा की जो कम्युनिटी है, अगर आप उसके साथ अटैच रहना चाहते हैं क्या अपकमिंग में बीटा में या फिर किसी भी और वे में जो के न्यू अपडेट्स आ रही हैं, आप उनको वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें प्लेयर भी अवेलेबल है, प्लेयर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें मैसेंजर्स की, एक इन्होंने साइड बार पे मैसेंजर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो है पिन बोर्ड्स। पिन बोर्ड्स मीन सेव एंड कलेक्ट वेब कंटेंट इजीली, शेयर इट विजुअली, कलेक्ट पिक्चर्स, लिंक्स, म्यूजिक फाइल्स एंड नोट्स टू क्रिएट बिल्ड्स, कंपेयर हार्डवेयर डील्स और एनीथिंग एल्स। अगर हम नेक्स्ट देखें तो फ्लो मीन Just scan a QR code टू कनेक्ट योर कंप्यूटर एंड मोबाइल। तो ईजिली आप फ्लो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल और अपने PC को या अपने सिस्टम को। अगर हम नेक्स्ट देखें तो फास्ट नेविगेशन है एंड मच मोर। नीचे देखें तो मोर यूनिक बिल्ट इन फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हमने। इसके अलावा नेक्स्ट है फोर्स टॉक पेजेस, वीडियो पॉप आउट, फ्री VPN इसमें मिलता है आपको और एड ब्लॉकिंग भी फ्री में मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एड ब्लॉकर कोई और वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि जस्ट एड ब्लॉकिंग या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा हो, तो वो आप ब्रेव ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेव ब्राउज़र वेरी फैंटेस्टिक, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, तो ब्रेव ब्राउज़र जो है वो बेस्ट है। ब्रेव ब्राउज़र में आप लॉगिन नहीं कर सकते, याद रखिएगा, उसमें अकाउंट नहीं बनता आपका, जैसे कि क्रोम में बन जाता है। क्रोम में आप लॉगिन कर सकते हैं, ओपेरा में आप लॉगिन कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स में आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन ब्रेव में अभी आप लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर सकते। और ब्रेव ब्राउज़र जो है वो वाकई सिक्योर है, उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो लेट स्विच एंड कीप योर डाटा व्हेन यू स्विच टू गो, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। तो ये देखिए डाउनलोड हो रही है। अगर हम इसको देखें तो ये देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है।
हो जाता है ये कंप्लीट। हम इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं इसमें क्या है। नीचे कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आप ऊपर देखें तो इसमें प्रोडक्ट पे देखें तो यहाँ पे आपके पास गेम मेकर स्टूडियो, डिफी, हाइप, अपेरा न्यूज़ लाइट। अगर हम इसको होम पे जाएं इसके पेज पे, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करें या ब्राउज़र पे लेके आए अपना कर्सर, तो यहाँ पे शो होगा ओपेरा जो कि नॉर्मल ब्राउज़र आम यूज़ होता है वो वाला। उसके बाद ओपेरा GX है, उसके बाद ओपेरा GX फॉर मोबाइल है, ओपेरा फॉर क्रोम एंड ओपेरा मिनी। और लाइट जो कि डाटा सेव करना चाहते हैं वो ओपेरा मिनी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं और इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ऑप्शंस पे क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आते हैं लैंग्वेज इंस्टॉल फॉर, किसके लिए आप इंस्टॉल करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं जो करंट यूज़र हूँ मैं ही एडमिन हूँ इस सिस्टम का, इस पीसी का, इस लैपटॉप का, तो इसी में मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसी में मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इंस्टॉल पाथ आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप किसी और ड्राइव में चेंज इंस्टॉल करना चाहें तो आप किसी और में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है मेक ओपेरा द डिफॉल्ट ब्राउज़र, आप डिफॉल्ट बनना चाहते हो उसको क्लिक कर लें, अदरवाइज छोड़ दें। इंपोर्ट बुक मार्क्स डेटा फ्रॉम द डिफॉल्ट ब्राउज़र, अगर आपको डिफॉल्ट ब्राउज़र है फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम है तो वहाँ से इसका बुक मार्क्स और डेटा वगैरह इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इम्प्रूव ओपेरा बाई सेंडिंग फीचर यूसेज इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहें तो उसको डिसेबल कर दें, चाहें तो इनेबल रहने दें, मैं इसको डिसेबल करने लगा हूँ। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं या फिर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। जो हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो हमने फर्स्ट पे डाउनलोड की है वो जस्ट एक छोटी सी, या आप ये कह लें कि इंस्टॉलेशन एक्जी फाइल थी जो कि मेन सर्वर को एक्सेस करने में मदद देती है। इसकी डाउनलोडिंग हो रही है, इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। जब ये इंस्टॉल हो रहा है तो आपको बताता चलूँ कि ये देखें इसमें काफ़ी कुछ आ रहा है, मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस, इसके बाद अल्टीमेट गेमिंग एंड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। ये ना सिर्फ गेमर्स के लिए बल्कि क्रिएटर्स के लिए, यूज़र्स के लिए, रेगुलर यूज़र्स के लिए भी ज़बरदस्त है। कस्टमाइज योर डिज़ाइन, आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। अगर आप थीम्स की बात करते हैं तो थीम्स आपको दूसरे ब्राउज़र में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इसमें थीम्स मिलेंगे वो दूसरे ब्राउज़र की निस्बत अच्छे होंगे। अभी पैकेज डाउनलोड हो चुका है और जो पैकेज है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है और अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखें ये इंस्टॉल भी हो चुका है। यूं ही ये इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा लाइक दिस। अब हम इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं और आप देखें ये फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, वेलकम टू अपेरा GX, कस्टमाइज योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। अब ये विंडोज जो डिफेंडर है वो इसके एक्सेस मांग रही है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। कस्टमाइज योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इन फोर सिंपल स्टेप्स, यू कैन चेंज एवरीथिंग लेटर इन सेटिंग्स। अगर मैं चाहूँ तो स्किप कर दूँ, अगर नहीं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है चूज योर स्टाइल। यहाँ पे आपके पास लाइट, ऑटो एंड डार्क का ऑप्शन है, तो मैं डार्क ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यूज कस्टम वॉलपेपर, यहाँ पे से आप कोई कस्टम वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो नीचे कुछ अवेलेबल हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। यूँ ही आप कंटिन्यू करेंगे, सेकंड नंबर पर सेटअप योर इन्वेंट्री। डोंट स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट एप्स, इंटीग्रेटेड मैसेंजर्स विल सेव योर टाइम। लेकिन मैं अभी इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ। ब्राउजर साउंड, यहाँ से आप साउंड वगैरह सेट कर सकते हैं, प्लेग्राउंड, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है GX कंट्रोल। GX कंट्रोल लेट्स यू सेट लिमिट ऑन हाउ मच रैम, CPU एंड नेटवर्क स्विचेस योर ब्राउजर टेक्स अप। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट है GX क्लीनर। GX क्लीनर में क्लीन अप अननेसेसरी जंक फाइल्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसको मैं इनेबल ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट है एड ब्लॉकिंग, अगर आप चाहें तो इसको एड ब्लॉकिंग को ऑन कर लें, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दें एज यू विश। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा ब्रिंग योर गेमिंग स्टाइल टू मोबाइल, मोबाइल के लिए आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू करें। सिक्स नंबर पर हमारे पास आ रहा है देयर यू गो,
इसको हम फिनिश कर देते हैं और हमारा ब्राउज़र सेटअप हो चुका है। तो ऐसे आप अपेरा जी एक्स डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास मेन्यू आ रहा है, यहाँ से आप पिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, और मच मोर। तो ऐसे आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्राउज़र अच्छा लगा होगा। अगर आप डाउनलोड करके यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।